नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 दो या फिर तीन इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन है, वो करेंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय 124। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। 124 के पास कोई साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। फिर 124 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 124, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे। तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है -11 मल्टीप्लाई बाय -15 मल्टीप्लाई बाय 10। अब तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लागू होगी। किन्हीं भी दो इंटीजर की हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी हम तीसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, फिर प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारा प्लस का साइन आएगा। फिर करते हैं इंटीजर की बात। 11 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 165 आएगा। कितना आएगा, 165। और 165 के जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1650। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें हमारी किसी भी तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। ए की बी से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसे सी से कर सकते हैं, या फिर ए की सी से कर सकते हैं जो रिजल्ट आएगा उसकी बी से। किन्हीं भी दो इंटीजर की पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी बचे हुए की तीसरे की बाद में कर देंगे। एक टेंथ क्वेश्चन है वो भी करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -9। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, और 2 की 1 से होगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा इन दोनों का आ गया रिजल्टेंट। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस से होगी तो प्लस, 3 की 9 से होगी कितना आएगा, 27। ठीक है, ये आ गया हमारे दो प्रोडक्ट के अंदर आ गए। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 27 की सॉरी प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा प्लस आएगा, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 54। ये क्या हो गया हमारा, फाइनल आंसर। इस तरीके से हम किन्हीं भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -1 की किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट क्या है, 29 आए प्लस का। अब हमें पता है कि माइनस की किस से मल्टीप्लाई करें प्लस आए, तो माइनस ही होना चाहिए। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तभी प्लस आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी हमारी माइनस का इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी बात 1 की किस से मल्टीप्लाई करेंगे 29 आए तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, 29। यानी -1 की -29 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या आएगा, प्लस का 29 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 40 -3। अब ब्रैकेट हमें दे रखी है तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, जो बाहर मल्टीप्लाई में है उनकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगी अंदर विद साइन। जैसे 8 की अब ब्रैकेट है तो 8 के पहले 40 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 8 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करना आसान रहेगा। 40 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 37 आएगा। उसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंथ ही चला जाएगा क्वेश्चन। तो ब्रैकेट का यूज करते हुए 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, 320। फिर 8 की 3 से माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 3 24। ठीक है, फिर 320 -24 हमारा कितना आएगा, 296। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से ब्रैकेट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹9 पर शर्ट ऑफ टाइप ए सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹4 पर शर्ट ऑफ टाइप बी शर्ट सोल्ड। द कंपनी सेल्स 2500 शर्ट्स ऑफ टाइप ए एंड 4000 शर्ट्स ऑफ टाइप बी इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास दो तरीके की शर्ट है, एक टाइप ए और दूसरी है टाइप बी।
जब टाइप ए की कोई शर्ट बिकती है तो उसको ₹9 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब टाइप बी की कोई शर्ट बिकती है तो ₹4 का क्या होता है, हमें लॉस होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि टाइप ए की उसने 2500 शर्ट सेल की है और टाइप बी की कितनी की है, 4000 शर्ट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस बताना है। अब टाइप ए की 2500 शर्ट उसने सेल की है, ठीक है, एक शर्ट में उसने ₹9 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 2500 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, 22500। ये क्या हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम टाइप ए शर्ट, टाइप ए शर्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। फिर टाइप बी की कितनी, 4000 शर्ट उसने सोल्ड किए हैं, ठीक है। ₹4 का एक शर्ट पे लॉस आता है, तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, कितना हो गया, 16000, ये हो गया लॉस, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, लॉस इतना हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल लें, तो 22500 में से 16000 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा हमारा, 6500 रुपीज का क्या आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।